दोस्तों बाइट कोरोना फ्रूट सीरीज के 174th एपिसोड में मैं तेजपाल आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने ट्यूटोरियल दिया था, तुझे देखा तो ये जाना सनम। होप यू मस्ट हैव एंजॉयड एंड प्रैक्टिस, इट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट ट्यूटोरियल। और इसी श्रृंखला में 90s की सीरीज में हम आज का ट्यूटोरियल जो है वो सुपरहिट मूवी का टाइटल सॉन्ग तुम पास आए यूं मुस्कुराए। तो आइए आज हम इसका ट्यूटोरियल बहुत ही सीधे और सरल तरीके से आपको देने जा रहे हैं। और ये ट्यूटोरियल इतना इजी है कि जो बिगनर्स फ्रेंड हैं सभी इस ट्यूटोरियल को ट्राई कर सकते हैं, एंड विद इन 2 days ऑफ प्रैक्टिस आपको बहुत आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सिंपल सारेगामा पदनीसा आता है तो भी आप इसको बजा सकते हैं। ध्यान ये देना कि इसमें तीव्र मा का यूज है, तो आपको ये मा वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस अगर आपको इतना सरगम निकालना आता है तो आप इस सॉन्ग को आसानी से बजा सकते हैं। तो मेरे बिगनर्स दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल लाइन बाय लाइन। ओके दोस्तों, इसमें लगने वाले स्वर जो हैं सारे गामा पदनीसा और हाई ऑक्टेव का सारे ग तक के जाएगा। तो जैसा कि मैं हमेशा डिनोट करता हूं, जो हाईएस्ट ऑक्टेव का है तार सप्तक जिसे हिंदी में कहते हैं उसमें एस और प्लस रे प्लस से दिखाया जाएगा, बाकी नॉर्मल सारे गामा पदनीसा। ठीक है, और अगर मंद्र सप्तक में जाता है, वैसे तो इसमें मंद्र सप्तक में कहीं नहीं गया है, तो वो स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स फिर बिग लेटर्स और फिर तार सप्तक जो हाइस्ट होता है वो में प्लस का साइन होगा। ठीक है, आपके आसानी से समझने के लिए तो पहली लाइन तुम पास आए, ये नी जो है नी से शुरू होगा मध्य सप्तक के और हाई के सामने चला जाएगा, हाई सामने। अभी इसको प्लेन बजा रहे हैं बिना किसी हरकत के, ठीक है, ताकि बिगिनर्स को ये आसानी से समझ में आ जाए। तो जब आपको ये अच्छा आ जाता है उसके बाद आपने इसमें अपने हिसाब से गाने को सुन के आपकी उंगलियां अपने आप इसको और अच्छा कर सकती हैं। अभी बिल्कुल प्लेन तरीके से सीखिए, नी सा नी ध प नी। दो बार है, तुम पास आए नी सा नी ध प नी यूं मुस्कुराए। अगेन नी सा नी ध प नी, बहुत सिंपल है, सा हाई ऑक्टेव पे चला गया, बाकी नी ध प ये नॉर्मल मिडिल ऑक्टेव को लग गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन तुमने न जाने क्या, तुमने ने के लिए ये धनिधा हो जाएगा बहुत हल्का सा, अगर शुरू में नहीं करना चाहते तो बिल्कुल प्लेन रखिए, अदरवाइज तुमने न जाने क्या मेरे। अब पूरा देखिए, धनी धनिधा प म प म ध रे तुमने न जाने क्या। ठीक है, म तीव्र का यूज हो रहा है। दोबारा देखिए, ठीक है, अभी इसमें अगला जो है सपने दिखाए ध प धनी ध प प प सपने ने के लिए धनी ध सपने प प प। पूरा लाइन देखिए, दो लाइन शुरू की, ओके। अब नेक्स्ट लाइन है अब तो मेरा दिल, अभी ये हाईएस्ट ऑक्टेव के ग तक जाएगा, देखिए हैं, अब तो मेरा दिल प प ध नि ग रे गे। ठीक है, सिंपल है, गरे ग जागे न सोता है प प ध नि ग रे गे।
ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हाईएस्ट ग तक चले गए, अब फिर वापस आना है। क्या करूं हाय धनी धनी ध प धनी धनी ध एकदम स्पीड से है। क्या करूं हाय मग मगरे कुछ कुछ होता है धप निधप निधप एक साथ आएगा तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट से दिखा रहा हूं। कुछ कुछ होता है। तो दोस्तों कितना सिंपल है इसका ये मुखड़ा कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो अब इसका जो अंतरा का जो पोर्शन है इसकी जो फर्स्ट लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ना जाने कैसा एहसास है, और आगे चल के सेकंड अंतरा में यही होगा। ये इश्क जाने कैसे हुआ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए और बहुत अच्छा लगता है इसको, नी से शुरू होगा और ये भी हाई ऑक्टेव पे ग तक जाएगा। सिंपल है ना जाने कैसा रेग रेग रेसा नीध एहसास है धनी सासारे एहसास है। लास्ट में सारे एक साथ उठाना है। अब पूरी लाइन देखिए, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोबारा से देखिए। ओके नेक्स्ट लाइन सिमिलर है। बुझती नहीं है क्या प्यास है, पर बुझती में क्या होगा कि एकदम से आपको रेसानी स्पीड से लाना पड़ेगा। बुझती रेसानी ठीक है, बुझती रेसानी सा बुझती नहीं है रे रे गरे सानी धा क्या प्यास है धनी सा, और फिर ये धनी गा रे एकदम से धनी गा स्पीड से करना है। इसको नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। ये क्या प्यास है मैं ये धनी 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 ग रे ये थोड़ा सा सुंदरता देने के लिए है ये, इसको थपकी कह दीजिए या जो भी कह लीजिएगा। ओके क्या नशा इस प्यार का, अब आपने फिर से वापस आना है। क्या नशा इस प्यार का क्या नशा प नी धनी धा क्या नशा इस प्यार का ध प म तीव्र ध रे। अब पूरी लाइन देखिए, सॉरी सॉरी आई विल अगेन रिपीट। क्या नशा इस प्यार का मुझ में सनम। अब ये वापस आ रहा है इसीलिए आपको थोड़ा सा हल्का लग रहा होगा। मुझ में सनम मुझ पे सनम सा तक आ गए छाने लगा। छाने लगा ठीक है, छाने लगा में क्या है रे ध म प
चलने लगा, जो लास्ट में हा है वो धनी एकदम से है। उसके बाद ही एकदम से हो जाएगा कोई न जाने। अब फिर से आपने थोड़ा सा इसको उठाना है, कोई न जाने पद निगारे क्यों चैन खोता है, पद निगार करे। और फिर वापस क्या करूं हाय, बहुत ही सिंपल सॉन्ग है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और इसको अच्छे से सीखिए, एंड इट्स अ मस्ट फॉर द बिगिनर्स। इसके साथ ही आज का ट्यूटोरियल समाप्त होता है। होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। हैव अ गुड डे, हैप्पी फ्लूटिंग।